तो गाइस यहाँ पे हो चुका है दोबारा से बारिश का मौसम। हमारे दिल्ली में ना एक चीज होने लगी है, दो तीन दिन गर्मी पड़ती है फिर हमारे यहाँ फिर बारिश हो जाती है। मौसम के मजे चल रहे हैं, मौसम के मजे अच्छे अच्छे इसमें, अच्छे अच्छे उसमें, किस में, मौसम में। गाइस देखो हमारे ऊपर जो छत है ना, ये बहुत हराम खो रहे हैं। क्या हो गया? सीरियस मैटर हो गया, सीरियस मैटर। किससे लड़ाई हो गई? मैटर सीरियस है, मैटर ज़्यादा सीरियस है। तो गाइस कल ये जो घर है ना, यहाँ पे जिन्होंने टेंट लगा रखा, कल इनके घर में कीर्तन, भंडारा और सुंदरकांड, सुंदरकांड। तो इन आंटी ने अभी यहाँ पे खड़े होकर मैंने इनवाइट करा है, तो हम जाएंगे। आंटी अच्छी है, आंटी मेरी दोस्त बन गई। तो गाइस जी यहाँ पे जो आंटी ना, वो मेरी दोस्त बन गई। इनकी तो पहले से तो थी दोस्त, वो आंटी दोस्त थी मेरी। हाँ मतलब दोस्त जो अच्छे से बात करते हो, सब दोस्त करते हैं। आंटी के बच्चे, आंटी के बच्चे, आंटी सब इनके दोस्त बन गए। 2 hours later और रुको तो व्लॉग तो बनाने दो। तो गाइस हम लेने आए हैं सब्जी, हमने प्याज और आलू ले लिए हैं और भी सामान ले लिया है हमने। अब हम जाते हैं घर। किधर तक काम टेक अपना काम कर लेना खाली, जल्दी घर बैठा, जल्दी कर ले, अपलोड हो रही है भैया। तो गाइस मैंने अपने लिए और इनके लिए यहाँ पे मैंगो कट कर लिए और थोड़े से खा भी लिए हैं। ये यहाँ पे पता नहीं क्या देख रहे हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं, मेरे को क्यों दिखाना है। मैं गया स्टेज पे चढ़ा और तो गाइस ये छोले भटूरे बनाए हैं मेरी सिस्टर ने, शिटर ने ये छोले भटूरे बनवाए, छोले भटूरे सॉरी भटूरे बनाए हैं ये टीशा ने, टीशा की करामात है। देखो फूले फूले भटूरे बनाए हैं छोले। आ जाओ ना, नहीं शर्मा एक मिनट। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव वाले घर पे रहने के लिए, रहने के लिए। क्या हो गया? तो गाइज इसने बनाए हैं, इधर आ इधर। हाँ किस, कितने साल की तू? 21। ओ 21 की हो गई तू, पता ही नहीं चला कब में हो गई, पता नहीं। गाइज ये 21 साल की गर्ल है, तो इसको इसको बचपन से ही कुकिंग का शौक है। क्या क्या बना लेते हो आप? सब कुछ, सब कुछ ही है, जैसे कि अरे बता तो दे, शर्मा क्यों रही है, अच्छी लग रही है, अरे अच्छी लग रही है। छोले भटूरे, इडली, डोसा, छोले भटूरे बना देती है, इडली, इडली, अरे अभी आप क्यों बोल रहे, रुक जाओ ना, इडली सांभर, छोले भटूरे, मोमोज, फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, समोसे और फ्राइड राइस, फ्राइड राइस भी बना लेती है, चिली मंचूरियन, चिली पटेटो, सब कुछ बना लेती है लड़की। अगर किसी को देखो अपने होटल में अगर इसको काम देना है तो दे सकती हो वो इसको काम दे सकते हो होटल में अपने में, बहुत अच्छा खाना बनाती है और सैलरी लेगी 1 lakh rupees। तो जो अपने होटल में काम दे सकता, देना चाहता हो वो दे सकते हो। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं 1:45 और हम दोनों जा रहे हैं घूमने के लिए। अब ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये इंसान बैठा हुआ है जिसको कोई मकसद नहीं है मेरी वीडियो से, मेरे व्लॉग से, बिल्कुल भी नहीं। गाइस आपको दिखा नहीं सकती मैं अभी फ़िलहाल तो अभी हम जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए बाहर, थोड़ा सा व्लॉग भी बन जाएगा, आप लोगों को दिखा भी दूंगी, घुमा दूंगी, फिरा दूंगी गुड़गांव में दिल्ली वाली पब्लिक को है ना। तो अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा इधर उधर घूमाएंगे, फिर उसके बाद तो पता नहीं मेरा व्लॉग कब बनेगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ जब तक तो व्लॉग मुश्किल ही बनते हैं मेरे, है ना। तो गाइस चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बना रहा हूँ अभी, 2 दिन हुए जिम जाते जाते बस, कोई नहीं अभी तो 2 ही दिन। और डोला दिखा दो। नहीं अभी नहीं, एक बार ऐसे दिख नहीं रहा, दिखने। हाँ ओ माय गॉड, टू रूला वो बनाएंगे ना जो तो गाइस अभी हमें जाना था आइनॉक्स मॉल, बट आइनॉक्स बेचारा 1 महीने से बंद पड़ा है, तो क्या करें। तो अभी हम सोच रहे हैं कहीं और जाते हैं, तो अभी हम
जा रहे हैं कहीं और घूमने के लिए, पता नहीं हमें जगह इतना पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए, तो अभी हम चल दिए हैं ऐसे ही बस। देखो मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है ना, धूप धूप पानी रही, एक बादल आ रहा है सूरज पे देखो ब्लैक कलर का। तो अभी देखते हैं कहाँ चलते हैं हम, क्योंकि ऐसे मज़ा तो खैर आ रहा है बट रोड पे घूमने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब तक धूप नहीं है, जब धूप आ जाएगी तब तक पसीने से टप 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 करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा घूमने का। तो अभी देखते हैं चलते हैं कहीं और, अगर अच्छी जगह मिली तो वहीं पे घूम के आएंगे। तो गाइज हमें देखो कोई और जगह नहीं मिली, तो हमें रास्ते में ये सेक्टर 4 का पार्क दिखा जो डोमिनोज के सामने वाला है, तो हम वहाँ पे आ चुके हैं और धूप हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि एक आध वीडियो बना लूँगी अपनी पार्क में। तो गाइज ये झूले हैं देखो, मेरे वैसे झूले झूलने का मन करता है, देखो आपको दिखाऊंगी। गाड़ी आप ये अब भी चलो दूसरी साइड में आपकी है, एक हाथ से जो गाड़ी चलाते देखो है ना, ऐसे चलाते ना एक हाथ से गाड़ी स्टीयरिंग घुमा के। अरे मुझे पता चल गया, देखो ये जैसे इतना बड़ा है, ये जैसे इतना बड़ा है, इसके अंदर बालक बिठा देते हैं, 4 बालक बालक हो जैसे फिरेंगे। दूसरा जिला है ये वाला, घुटन जाएगा कभी पता चले मेरी वजन से गिर जाएगी। दूसरा ऐसा ये, ओह माय गॉड, देखो 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 जो आंटी होती है ना जो पार्क में घूमने आती है, वो देखो ऐसे करती है, यूं करेंगी और अपना यहाँ पे दुपट्टा बांध देती है, चलो भाई, और फिर ऐसे और यूं करती है तेज आप ही भाई राम ऐसे कैसे कर लेती होंगी आंटियां वो, भाई थक गई मैं इस पे। और कौन सा झूला है, ओए देखो वो कौन सा झूला है, वो सीसम, और ये क्या है जल्दी जल्दी दम दो, ये कौन सा झूला है, ये कैसे चलेगा, चले यहाँ से मैं खाली छू। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो भी बना ली है और थोड़ा सा ऐसे घूम भी लिया, यहाँ पे व्लॉग भी बना लिया अपना मैंने, तो अभी चलते हैं, धूप आ चुकी है तो अभी धूप में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाहर घूमने का। गाइज इनको देखो दिखा दो, ओ देखो कितना कितना मोटा होगा, चींटी ने काटा है शायद आपकी, गाइज इनके ने यहाँ पे इतनी मोटी चींटी ने काट लिया, यहाँ पे इतना मोटा दाफड़ हो गया दाफड़, चलो ठीक है रंदो, और एक आपको थोड़ी दिखा रही हूँ, क्या काम करूँ बताओ, क्या काम करूँ बताओ, हो गया बताओ ना, कैमरा बंद करके, अच्छा गाइस सही बात करी मैं इतनी देर से। तो गाइस यहाँ पे जिसको भी आना आ सकते हो मस्ती करने के लिए सेक्टर 4 के पार्क में, ठीक है तो चले हम, चलो बंद तो करो इसको भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ना इनसे पता नहीं कब से बोल रही हूँ कि मेरे को वाटर पार्क ले चलो वाटर पार्क ले चलो, पर ये मेरे को वाटर पार्क लेके नहीं चल रहे, वाटर नहीं होता फिर वाटर होता है वाटर, अच्छा से वाटर पार्क, वाटर पार्क वाटर पार्क से वाटर पार्क वाटर पार्क जो भी नहीं ले जा रहा, लेके चलो ना प्लीज, मेरे को वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क लेके चल लो, गर्मी हो रही है। गाइस देखो पापा आए हैं बेबी दुकान से, और देखो पापा ये क्या लेके आए हैं, क्या है पापा ये, ओ इडली छप रही, इस पे इडली बनाने का ही होगा फिर तो, एवर गोल्ड इडली स्टैंड, इडली का ढांचा, खाचा होता है ढांचा होता है इडली का सांचा, इडली का सांचा, वाह सो ब्यूटीफुल, गाइस देखो पापा ये लेके आए हैं, अच्छा टीशा कल इडली इसीलिए कह रही होगी बनाने के लिए, तेरे लिए
मेरी इडली बनाएगी थी सर। बोल ले तो दिखा, क्या दिखाऊँ इसका मैं, देख तो लिया गाइज ने क्या कभी इडली नहीं खाई। गाइज देखो मैंने ना ये एक क्रीम मंगाई थी, मतलब ऑनलाइन देखी थी मैंने, ये मंगाई थी फेयर स्किन एंटी डस्ट, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसकी, मैंने ऐसे ही मंगवाई थी ये। तो गाइज ये क्रीम वैसे तो इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा डस्ट निकालती है स्किन के अंदर से, तो अगर किसी को गोरा होना तो ये मंगवा सकते हो, बहुत अच्छी है, जेल फॉर्म में है मतलब ये, तो अगर मतलब मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगी, अगर किसी को मंगानी तो मंगा सकता है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो इसके रिज़ल्ट, अच्छे रिज़ल्ट है। तो गाइज अभी बज चुके हैं 11:30, अब हो चुका है हमारा सोने का टाइम, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे, दिन में भी सोई थी मैं बट फिर दोबारा से मेरे को नींद आ रही है, तो अभी मैं सोती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड नाइट। आप लोग अपना अपना ध्यान रखना।